नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। श्रावणी मेले का उद्घाटन मंत्री प्रेम कुमार और सुरेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर की। मौके पर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ आलाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई घंटों तक पूरे वार्ड की जांच की गई। आरडीएस कॉलेज में कांवरियों के लिए बनाए गए टेंट सिटी का उद्घाटन मंत्री प्रेम कुमार और प्रमोद कुमार ने फीता काटकर किया। और बिहार विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन हॉल में पीजी कंप्यूटर के छात्रों ने इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाने को लेकर परीक्षा का बहिष्कार किया। और अब खबरें विस्तार से। डीएन हाई स्कूल में श्रावणी मेले का उद्घाटन मंत्री प्रेम कुमार और सुरेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि बाबा धाम की तरह गरीब स्थान का भी विकास किया जाएगा। डीएन हाई स्कूल में श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार तथा नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके की। मौके पर सांसद अजय निषाद, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष राम सूरत राय, जिलाधिकारी एसएसपी समेत जिले के सभी आलाधिकारी शामिल हुए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि बुद्ध सर्किट और सूफी सर्किट की तरह बाबा गरीबनाथ धाम का विकास किया जाएगा। बोलिए बाबा गरीबनाथ की जय। हर हर महादेव। आज श्रावणी मेला के उद्घाटन के शुभ अवसर पर कला एवं संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग एवं राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, पीएचडी विभाग और बिहार सरकार के समस्त विभागों के द्वारा जितने भी कुमरिया सेवक बोलबम यहां आएंगे उनके सेवा के लिए हमारे बिहार सरकार के जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी और हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और इसके साथ साथ जो मंदिर न्यास बोर्ड के जो लोग हैं और भी कई सामाजिक संगठन के लोग हैं जो इस काम को इस कर रहे हैं, तो इस दिशा में हर साल के भांति इस साल भी हमारे पर्यटन विभाग के तरफ से टेंट सिटी लगा है जहाँ हम उद्घाटन करने चलेंगे, आप लोग चलिएगा। और कला संस्कृति विभाग से वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला में जगह जगह हर रविवार को एक कलाकार आएंगे और वह कला के प्रदर्शन करेंगे और बाबा भोलेनाथ के नए नए भजन सुनाएंगे, उसे आप सुनकर और हमको बताने का काम कीजिए। इसमें फंड की कोई सीमा नहीं है, जितना प्रशासन खर्च करेगा उतना पेमेंट सरकार करेगा। सरकार का जो प्लान है टूरिज्म के रूप में, मैंने कहा कि देवघर अगर आप जाएंगे तो मैं पर्यटन विभाग के तरफ से जब मैं मंत्री था तो भारत सरकार के अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने 80 करोड़ रुपया, जिसमें 50 करोड़ रुपया खर्च हो गया, और वहां जाइए तो 7 गो 8 गो बड़ा बड़ा 3 स्टार होटल टाइप का बिल्डिंग बना हुआ है और वहां भी 1000 लोगों के रहने के लिए टेंट सिटी का व्यवस्था है जो यहां है, और वहां भी जो बेंच बैठने वाला लगभग 5000 बेंच लगा है और वहां भी कांवर रखने वाला स्टैंड बना है। तो हमने पिछले साल भी कहा था और इस साल भी जिला प्रशासन से कहा है कि आप हमको भूमि उपलब्ध कराइए, हम इसकी स्थायी व्यवस्था करेंगे। और सरकार पथ निर्माण विभाग वहाँ सड़क भी बनाई है, तो अगर सरकार ऐसा अगर व्यवस्था करेगा, भूमिका चयनित करके देगा, तो सरकार स्थायी विकास की योजना करने के लिए तैयार है। सरकार के पास पैसे की, रुपया की कमी नहीं है, सरकार के पास संसाधन का अभाव नहीं है। सरकार हर पर्यटक को वो अपने उनके सुख सुविधा के लिए तत्पर है, और जिसका परिणाम है कि पर्यटक आज सबसे ज़्यादा बिहार की ऐतिहासिक धरती पर आ रहे हैं और यह बिहार सांस्कृतिक भूमि है और बिहारत सांस्कृतिक राष्ट्र है जिसकी राजधानी यह बिहार है। कि देखिए यहाँ बाबा गरीबनाथ भी है, दूधनाथ भी है, अजगैबीनाथ भी है, महिंद्र नाथ भी है, सोमेश्वर नाथ भी है, केसर नाथ भी है और कई नाथ भी है। यह बिहार
सांस्कृतिक राष्ट्र की राजधानी है, इसलिए हम लोग जो सरकार है, बिहार की सरकार है और भारत की जो सरकार है, वो सांस्कृतिक राष्ट्र के प्रति सचेत है और जिसका परिणाम है कि आज जो अभी जो विगत चुनाव हुए हैं तो जो मैंडेट प्राप्त हुए हैं वो सांस्कृतिक राष्ट्र के प्रतीक का ये पहचान बने हैं। अब कितना इस बार मुजफ्फरपुर केंद्र समिति में रहने की व्यवस्था, कितने लोगों का, कितना लोग रह गए? वहीं नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि बाबा गरीबनाथ मंदिर के विकास के साथ चतुर्भुज मंदिर का भी विकास करेंगे। जल संचय करने के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर में जितना भी जलाभिलेख होता है वह बोर होल के जरिए अंडरग्राउंड होता है। मंदिरों में ये व्यवस्था पूरी होनी चाहिए ताकि वह पवित्र जल हमें जल संचय के काम करे और जो भविष्य में विश्व में जो जल संकट की संभावना है, जो जल संकट पर विश्व की लड़ाई हो सकती है उसका संजय करे, तभी गरीब बाबा उसी पानी से हम लोग जो जो अभिषेक उनका होता है वही पानी शुद्ध हमको पीने को मिलेगा और उनके आशीर्वाद से मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे उत्तर बिहार और बिहार सुखद होगा। जिला प्रशासन द्वारा आरडीएस कॉलेज में बनाए गए टेंट सिटी का उद्घाटन मंत्री प्रेम कुमार और प्रमोद कुमार ने फीता काट कर किया। मंत्री ने कहा सरकार से हर संभव मदद की जाएगी। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आरडीएस कॉलेज बनाए गए टेंट सिटी का उद्घाटन पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार तथा पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने फीता काट कर की। कांवड़ियों के ठहरने के लिए बनाए गए इस टेंट सिटी में कांवड़ियों के 150 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कांवड़ियों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी SSP समेत सभी आलाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस मेले में के सफल बनाने के लिए सरकार सभी सुविधा उपलब्ध कराएगी और बाबा वैद्यनाथ की तरह बाबा गरीबनाथ के मेले का विकास किया जाएगा। जिस कार्यक्रम में यहाँ आए हैं मुझे काफी खुशी हो रही है कि पर्यटन विभाग के द्वारा और हमारे बाई और बैठे हुए लोकप्रिय हमारे बिहार के माननीय मंत्री वर्तमान में कला से युवा है, लेकिन उनका अच्छी शुरुआत की पर्यटन मंत्री बिहार का और श्रावणी मेले के अवसर पर पूरे देश में मेला मनाया जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर की पावन धरती बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर भी और बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक कर वहाँ पर ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं जाकर और हम सबों का बहुत ही काफ़ी एक मेले का महत्व जाकर के हैं और बहुत सदियों चला हुआ रहा जाकर के और आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो अपना श्रद्धालु जो कांवर लेके आते हैं उनको महिलाओं माताओं बहनों के लिए रहने का भी प्रबंध किया गया जा करते हैं। हम पर्यटन विभाग को और खासकर सूबे के माननीय लोकप्रिय मंत्री भाई प्रमोद जी को जिन्होंने एक अच्छी पहल और शुरुआत की थी उसका आज परिणाम दिख रहा जा करके है और इस मौके पर तमाम अपने श्रद्धालुओं के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी हमारे जो काफ़ी इसमें पहल कर रहे हैं जा करके अच्छी व्यवस्था बनाने में अपना जुम्मा योगदान जा करके है और रहा बाढ़ की बात जाकर सुखाड़ की बात जाकर तो बिहार के उत्तर बिहार के 12 जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में जाकर और उसका मुख्य कारण है नेपाल में जो भारी बारिश हुई है उसके कारण उत्तर बिहार के 12 जिले के लाखों लोग सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल बनाया गया है और शुद्ध और साफ रसोई बनाकर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। दवा का प्रबंध है, पशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है और साथ साथ उनके चारे का प्रबंध किया गया है और हमने पशु चिकित्सकों को भी उत्तर बिहार में 5 अलग से वैन दिया, हमने एम्बुलेंस दिया है और साथ साथ लगभग 18 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और दवा की कोई कमी नहीं जा करके है और जो कैजुअलिटी हुई है जा करके उन पर उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपये 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है और अभी तक हम लोगों ने बाढ़ प्रभावित जो परिवार हैं ऐसे लगभग मैं 2 दिन पहले तक मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लाखों लाख लोगों के खाते में DBT के माध्यम से प्रति बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6-4 पर राशि दी गई जाकर और 181 करोड़ की राशि जो है DBT के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गया है। पानी निकलने के बाद हम सर्वे कराएंगे और जो किसान अन्नदाता किसान भाई बहनों ने मोरी लगाने का काम किया था पिछले को लगा करके और रोपने का जो काम शुरू कर दिए थे और उससे उनका जो नुकसान हुआ है उसका हमारे किसान सलाहकार कृषि समन्वयक
जल्द ही पानी निकलने के बाद सर्वे करा करके, पिछले बार 17 में बाढ़ आई थी और हम लोग किसान भाइयों को हर तरह का सहायता देने का काम किया था, और दक्षिण बिहार के करीब 2 दर्जन जिले सुखाड़ के चपेट में देख रहा हूँ, काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, मात्र 28% रोपनी हुई है। चिंता का विषय है, सरकार और आपदा प्रबंधन बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और हमने स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, और यदि स्थिति यदि बदलाव नहीं, वर्षा नहीं होती है तो आकस्मिक फसल की योजना हमारी है। अब किसानों को निःशुल्क मक्का का बीज, अरहर, उड़द, कुल्थी, तोरिया का बीज उपलब्ध निःशुल्क हम कराएंगे, और सब्जी के लिए भिंडी का है, पालक का है, इस तरह से सब्जी का बीज निःशुल्क किसान भाइयों को, और चारा के लिए भी हम सीड उपलब्ध कराएंगे निःशुल्क। मतलब ये हमारी आकस्मिक योजना है, उसकी हमारी तैयारी है। बाढ़ वाले जिले में पानी निकलने के बाद हम किसान भाइयों को, खेतों को हम खाली छोड़ेंगे नहीं, एकदम हरा भरा करने के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और दक्षिण बिहार में जो सुखाड़ की स्थिति है वहाँ भी समय हमारे पास है, 15 अगस्त तक रोपनी करने का हमारे वक्त जा करके है, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण रफ्तार धीमी जा करके है, वहाँ भी हम तैयार हैं। यदि परिस्थिति बदलती है तो वहाँ भी हम किसान भाइयों को आकर्षित फसल देंगे, ताकि खेत खाली नहीं होगा, और साथ साथ पिछले बार हम लोगों ने कृषि रिपोर्ट भी दिया था करके, और बिहार फसल सहायता योजना से हम सहायता करते हैं, तो सरकार संकट के घड़ी में, आपदा के घड़ी में हम राज्य के अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ, हमारी पूरी सरकार, हमारे तमाम माननीय मुख्यमंत्री हों, मुख्यमंत्री जी हों, तमाम मंत्री और सारे जनप्रतिनिधिगण हम लोग, और हमारे जिला प्रशासन से जो राज्य के सभी जो संबंधित कलेक्टर हैं, सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, और हम बाढ़ पीड़ितों को ताज़ा भोजन और रहने का प्रबंध जा करके, रोशनी का प्रबंध जाकर, शुद्ध पानी पीने का है, लेकिन टैबलेट भी डाला जा रहा है, दवा है, डॉक्टर है, पशुओं के लिए चारा है, और हम नगद राशि भी भेज रहे हैं जा करके हैं, तो उस तो संकट की घड़ी में सरकार पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी जा करके है। पूरे बिहार में 107 जेलों में छापेमारी की गई, जिला प्रशासन द्वारा केंद्रीय कारावास में कई घंटों तक छापेमारी की गई। बिहार के विभिन्न जिलों में एक साथ अहले सुबह से जेलों में छापेमारी की गई। इसी क्रम में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के निर्देश पर एसडीएम ईस्ट के नेतृत्व में 4 थाना और क्यूआरटी की टीम के साथ शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा पहुंचे और जेल के बैरकों की जांच की। एसडीएम ईस्ट डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि यह रूटीन जाँच थी। बराबर जाँच अभियान चलाए जाने से कैदियों में डर का माहौल बनेगा और जेल में अवैध सामान रखने से भी डरेंगे। देखिए, ये रूटीन चेकअप था, समझ गया ना, और 2 दिन पहले ही जेल में नियमित रूप से छापेमारी की गई थी, तो आज तो हम लोगों को कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं मिला। सामान्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, माचिस वगैरह थे, लेकिन मोबाइल, चार्जर या इस तरह की कोई चीज़ें बरामद नहीं। नियमित रूप से निरीक्षण करने से कैदियों में एक भय का माहौल रहता है, इसलिए ये किया गया। छपरा जिले के परसा नगर पंचायत के डिप्टी कलेक्टर को निगरानी में प्रधानमंत्री आवास योजना में रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा, आज डिप्टी कलेक्टर को भेजा गया जेल। छपरा जिले के परसा नगर पंचायत में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात संदीप कुमार ठाकुर को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से 18,000 रुपए रिश्वत लेने निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। संदीप कुमार ठाकुर को लेकर पहुंची निगरानी की टीम ने विशेष निगरानी कोर्ट में प्रस्तुत कर रविवार को जेल भेज दिया। निगरानी में इसकी शिकायत लाभुकों ने की थी, जिसके बाद निगरानी टीम का गठन कर संदीप को रंगे हाथ पकड़ा गया। वार्ड 45 के स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर लकड़ीढाही चौक पर आगजनी कर घंटों जाम किया। वार्ड नंबर 45 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर लकड़ीढाही चौक पर घंटों जाम कर नगर निगम प्रशासन तथा वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। यही नहीं, मुसहरी के सीओ की खाली गाड़ी को लोगों ने घंटों बंधक बनाए रखा। स्थानीय लोगों का प्रदर्शन तकरीबन 4 घंटे तक चला। मौके पर स्थानीय पार्षद पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझाकर प्रदर्शन खत्म कराया। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे वार्ड में पीने की पानी की समस्या पिछले कई महीने से है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कारण है क्योंकि हम लोगों के मोहल्ला में न पानी न बिजली, जल संकट, बिजली संकट, यही सब है। इसके लिए आज हम लोग लकड़ी चौक पूरा बंद करके रखे हैं। इस बात की कोई किसी अधिकारी को दिए हो सूचना? अभी तो कोई अधिकारी नहीं आया है। बात की समस्या किसी अधिकारी को दिए हो? दिए थे, वार्ड पार्षद को बोले हैं, नगर निगम में जाकर बोले हैं, लेकिन अभी तक कोई। क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन कुछ नहीं, वार्ड पार्षद बोलता है हमको, तुम कौन हो, हम चिंते हैं मोहल्ला के, तुम हो ही नहीं। बोलता है क्या किया? आज यही किए हैं कि पूरा जला उला के टायर वायर जला के रखे हुए हैं, रोड जाम करके रखे। घंटे रोड जाम किया? सुबह से जाम किया,
तकरीबन 5 बजे से 7 बजे से। नगर निगम से क्या अपील करना चाहते हैं? नगर निगम से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों के मोहल्ले में बिजली और जल किया जाए। महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने बूढ़ी गंडक नदी में गंगा आरती कर बाबा की झांकी निकाली। श्रावणी मेले के पहली रविवार को महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने बूढ़ी गंडक नदी से जल बोझी की। जल बोझी से पूर्व महाकाल सेवा दल के सैकड़ों सदस्यों ने गंगा आरती की। इसके बाद सेवा दल के सदस्यों ने शंकर भगवान की शिवलिंग के साथ झांकी निकाली। झांकी शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। झांकी में शंकर भगवान के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया। इसके अलावे झांकी में भूत पिशाच भी शामिल थे। झांकी का स्वागत जगह जगह लोग कर रहे थे। इसके बाद झांकी बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुँचा और सभी सदस्यों ने बाबा का जलाभिषेक किया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वॉर वेटरन संगठन द्वारा विजय दिवस परेड निकाली गई। वेटरन्स इंडिया द्वारा कारगिल विजय दिवस के 20वीं वर्षगांठ पर कारगिल पराक्रम परेड खुदीराम बोस स्टेडियम से निकाला गया। यह परेड शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ समाहरणालय परिसर स्थित भारत माता नमन स्थल पर पहुंचा। इस परेड में सर्वधर्म एकता का परिचय देते हुए पूरे भारत को एक साथ दर्शाया गया। एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि देशभक्ति और शहीदों के साथ लोग जुड़ेंगे और देशभक्ति का जज्बा जागेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज कारगिल विजय दिवस है और इस अवसर पर जितने भी हमारे अमर शहीद जवान को हम लोग आज याद करते हैं, वेटरन्स इंडिया द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साहपूर्वक सभी लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ और अब हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम से आम नागरिकों के बीच में देशभक्ति के प्रति और शहीदों के प्रति ज़्यादा जज्बे के साथ वो लोग देश और शहीदों के साथ जुड़ेंगे। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे शहीद एवं शहीद के परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति और अपना ममत्व बनाए रखेंगे। गरीब स्थान रोड में मोहल्ला युवा केंद्र द्वारा श्रावणी मेला निशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। श्रावणी मेले को लेकर गरीब स्थान रोड में मोहल्ला युवा केंद्र द्वारा सेवा शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। मोहल्ला युवा केंद्र द्वारा पिछले
पाँच दशकों से श्रावणी मेला में निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी लोग तन मन धन से कांवड़ियों की सेवा करते हैं। जो पुराना उत्साह था, पुराना जो मोहल्ला युवा केंद्र की ताकत थी, उसको फिर से आने वाले दिनों में प्रदर्शित करने का काम कीजिए। सब लगेगा कि सरकार की व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था मोहल्ला युवा केंद्र की व्यवस्था है। पहले कभी कोई दुकानदार को तंग नहीं किया जाता था, कोई व्यवसाय को तंग नहीं किया जाता था, अब तो एक महीना डेढ़ महीना के लिए पूरा व्यवसाय बंद है। जबकि प्रथम सोमवार को और अंतिम सोमवार को भीड़ कम रहती है, इस बांस बल्ला की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले ही सोमवार से यहाँ व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाता है। किसके सुझाव पर होता है, किन लोगों के कहने पर होता है पता नहीं। तो इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, आपकी ताकत है वही सबसे बड़ी ताकत है। आप नहीं करते हैं, इसका लाभ दूसरे लोग उठा लेते हैं। मोहल्ला युवा केंद्र फिर से संगठित होगा, संगठित रहेगा, तो प्रशासन के लोगों को झक मार करके आपकी राय लेनी पड़ेगी, आपसे सलाह लेना पड़ेगा, आपके बात को सुनना पड़ेगा। आज 50 वर्षों से लगातार हमारे पूर्वजों से लेकर चौथी पीढ़ी तक, आज चौथी पीढ़ी हम लोग को चल रही है, श्रावण माह में अन्य सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ मोहल्ला युवा केंद्र की ओर से जो कांवड़िया मावा की नगरी में आते हैं, मावा का जलाभिषेक करते हैं, उनके लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था और अन्य जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने का काम मोहल्ला युवा केंद्र निःशुल्क रूप से करती है बिना किसी के सहयोग। और यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं।
साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बरासा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7468884603 9008537392 8539877777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। JEE Mains में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% आया है JEE Mains 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और JEE Mains 2019 में 94.6% आया है, इसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे JEE Mains 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। अगर आप फैशन की दुनिया में अपने आप को अलग लुक देना चाहते हैं तो आप चिंता ना करें, आपके इस समस्या को दूर करने के लिए खुल गया है आपके अपने शहर में संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ बाहर के कारीगरों द्वारा कुशल काम किया जाता है। सभी प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर कलर, ब्लीच, फेशियल, शेविंग, हेयर डिजाइनिंग तथा मसाज भी किया जाता है। यही नहीं, शादी के शुभ अवसर पर दूल्हे को सजाया भी जाता है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर, राजमीना मार्केट, आम गोला रोड, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9798634075। यहाँ पे बाहरी कारीगर द्वारा जो भी है वो आधुनिक तरीका से सर्टिफिकेशन जो कस्टमर का हो सके वो हम देंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम चाहेंगे कि प्रोवाइड करवावे सुविधा, ताकि वो खुश हों और हमारे यहाँ बार बार आने का उनका मौका मिले। The
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन हॉल में पीजी कंप्यूटर के छात्रों ने इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाने के विरोध में परीक्षा का बहिष्कार किया। बिहार विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन हॉल में पीजी के कंप्यूटर लेवल की परीक्षा का छात्रों ने हंगामा करते हुए बहिष्कार किया। बहिष्कार के दौरान छात्रों ने अपनी कॉपी तक फाड़ डाली। दरअसल पीजी पार्ट वन कंप्यूटर लेवल की परीक्षा थी और क्वेश्चन इंग्लिश में होने के कारण छात्र आक्रोशित हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों ने एक दूसरे की कॉपी को छीनकर फाड़ दिया तथा परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्रों ने एग्जामिनेशन हॉल के गेट को भी तोड़ दिया। छात्रों ने बताया कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाने की वजह से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब नहीं पूछा गया तो जाती और है ना। क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि ओएमआर सीट में आप लोगों को मतलब नहीं दिया गया था, आंसर सीट के लिए उत्तर पुस्तिका दी गई थी? ओएमआर सीट देना चाहिए था और इंग्लिश और हिंदी दोनों में कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। और एग्जामिनेशन के दरमियान छात्रों को ओएमआर सीट देना चाहिए था जो ऑब्जेक्टिव में टिक करना था, उसके जगह पर 2017 की ग्रेजुएशन की कापियां दी गई है। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग कितना लुंज पुंज है, इससे पोल खुलती है। और साथ ही साथ जब विद्यार्थी ने इसको परीक्षा नियंत्रक के पास इस बात को हम लोगों ने रखना चाहा कि उनसे पूछा जाए कि हम लोगों को ओएमआर सीट के बदले ये 2017 की ग्रेजुएशन की कापी क्यों दी जा रही है, तो उन्होंने वहाँ जो वीक्षक मौजूद थे वो बताया कि आपको इसी पर देना है तो दीजिए, तो नहीं तो नहीं होगा। दूसरा बात, जो क्वेश्चन था सभी सब्जेक्ट का एक ही क्वेश्चन है, वो तो हम लोग जान रहे हैं कि हाँ जो सिलेबस है, लेकिन इंग्लिश जो राजभाषा हिंदी है, जो हिंदी पढ़ा है, जो उर्दू है उर्दू पढ़ा है, जिसकी भाषा लैंग्वेज है वो जो किसी का संस्कृत है, उसका भी जो हिंदी या इंग्लिश, यदि इंग्लिश में है तो हिंदी में भी होना चाहिए, 2-in-1 होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो ग्रुप डी का हो या यूपीएससी तक का हो, सब में होता है। लेकिन यहाँ पर है कि पूरा फुली इंग्लिश और इसका सीधा सीधा ओएमआर सीट नहीं देने का हम लोग जो अंदाजा किए हैं कि ये सारा सीट बिहार विश्वविद्यालय की प्रशासन बेच चुकी है, जो कि हम लोग ए के बदले बी लिख करके कल होकर के वो काट करके बगल में सही करेगा, और यदि हम ए क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं ए तो वो लिखेगा बी और उसको सही करके और उस सीट को बेचेगा, और ये करोड़ों का डील है बिहार विश्वविद्यालय के प्रशासन का। और जब छात्र अभी परीक्षा का बहिष्कार किए हैं कि हम ऐसे परीक्षा नहीं देंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी, हम पीएचडी कर रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और ऐसे में 6 जिला के और तमाम पूरे बिहार के बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, छात्र आए हुए थे, और इस कड़ाके की धूप में और छात्रों की समस्या को सुनने के लिए ना ही विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक है, ना कुल सचिव है, ना कुलपति है, ऐसे में छात्र कहाँ जाएंगे? मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। विगत 6 वर्षों के पश्चात बिहार विश्वविद्यालय द्वारा प्री पीएचडी टेस्ट का आयोजन किया गया था। अलग अलग केंद्र पे इसकी परीक्षा आयोजित हुई थी, जैसे एलएस कॉलेज और एग्जामिनेशन हॉल पे, मगर प्रबंधन के द्वारा जो हिंदी हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें प्रश्न नहीं पूछा गया था। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि पैट के एग्जामिनेशन में ओएमआर सीट होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए, तो ओएमआर सीट नहीं होने के वजह से उनको उत्तर पुस्तिका, जैसे यूजी के एग्जामिनेशन में या पीजी के एग्जामिनेशन में जो उत्तर पुस्तिका दी जाती है कि उस तरह की नोट शीट पे उनको लिखना था कि 1 का A, 2 का B, ऐसे करके 100 प्रश्नों का आंसर लिख के देना था, जो कि बहुत बड़ी मतलब विडम्बना है। इसको किस प्रकार से बिहार विश्वविद्यालय चेक करता और कैसे कंसिडर करता है, यह नहीं संभव हो रहा था। और छात्र अपने जायज मांगों के लिए मतलब परीक्षा वॉकआउट किए हैं, जिसका हर एक छात्र संगठन इसका मतलब समर्थन किया है, हम लोग भी इसके इस मांग के साथ हैं। पुलिस पाठशाला के 600 छात्रों को श्रावणी मेले में वॉलंटियर के रूप में शामिल किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस पाठशाला के 600 छात्रों को एसएसपी मनोज कुमार ने श्रावणी मेले वॉलंटियर के रूप में शामिल किया। एसएसपी ने सभी छात्र छात्राओं को टोपी और टी शर्ट दिया। श्रावणी मेले के दौरान सभी छात्र रविवार की रात्रि 8 बजे से और छात्राएं सोमवार की सुबह 6 बजे से ड्यूटी देंगी। एसएसपी ने कहा कि 600 छात्रों को श्रावणी मेले में वॉलंटियर के रूप में शामिल किया गया है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये श्रावणी में जो कांवड़ियों का कार्यक्रम होता है, गरीबनाथ मंदिर में जो जलार्पण करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था हो गई है। पुलिस मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है, मंदिर की तरफ से सेवा दल की व्यवस्था है, और इस बार एक नया प्रयोग किया गया है कि पुलिस पाठशाला के करीब 500 बच्चे इसमें है जो वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनकी ब्रीफिंग की गई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कांवड़ियों के साथ बिहेव करना है, कैसे अपने को सुरक्षित रखना है, सारी ब्रीफिंग की जा रही थी। क्या सर पिछले साल की अपेक्षा कुछ ज़्यादा सहयोग मिलेगी इस पुलिस पाठशाला के बच्चों से? आप बिल्कुल, ये पुलिस के साथ ये काम करेंगे, क्योंकि पुलिस के द्वारा ही ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
तो दोनों में एक संबंध है, दोनों में एक अच्छा समन्वय है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो एक मित्र की तरह ये काम करेंगे तो निश्चित से बेहतर रिजल्ट आएगा। कितने बच्चे शामिल हुए हैं सर इसमें? अभी तक है जो टारगेट है कि 500 बच्चे इसमें शामिल हों, अभी ब्रीफिंग में करीब 300 बच्चे आए। छात्र छात्रा दोनों हैं सर? हाँ, छात्र छात्रा दोनों हैं। छात्राओं को कहा गया है कि आप मॉर्निंग में 5:30 बजे से मंदिर में सेवा दे सकते हैं। वही वॉलंटियर के रूप में शामिल छात्रों ने कांवड़ियों की सेवा करने का काफी उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी शिद्दत से कांवड़ियों की सेवा करेंगे। हम लोग दवा जाते हैं कि ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और हम लोग उनका पूरा सहयोग कर सकें। सीनियर सर से क्या निर्देश हुआ, क्या कुछ? उन्होंने बताया कि हम लोग को आज शाम के 8 बजे से इनको रिपोर्ट करना है बहुत सारा चौक पे और इसमें टीम शामिल होना है। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो भी डाक बम हो या कोई भी हो छात्र सुरक्षा मिलना चाहिए, ये सब बतलाए कि कोई मुजफ्फर में तकलीफ ना आना चाहिए। कितनी लगन से इस बार सेवा करनी है कांवड़ियों की? बहुत लगन से, पूरे मन से करनी है। संयुक्त भवन परिसर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भूतपूर्व सैनिक संघ ने मातृ दिवस मनाया। कारगिल में शहीदों की मां को सम्मानित किया। पूर्व सैनिक संघ द्वारा संयुक्त भवन परिसर में कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक संघ कार्यालय में विजय दिवस के अवसर पर पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व शहीद प्रमोद और शहीद सुनील कुमार सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के बीच मातृशक्ति को सम्मानित करते हुए शहीद प्रमोद और शहीद सुनील कुमार की माता को अंग वस्त्र और पदक देकर सम्मानित किया गया। अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को दिखला दे सकता है कि हिंदुस्तान विश्व में सबसे बड़ी शक्ति भारत देश। मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे मुजफ्फरपुर में लोगों को जगाया। आप भी सम्मान के पात्र हैं और कारगिल के जो शहीद हुए हैं। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोकने और गिरफ्तारी करने के विरोध में धरना दिया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोकने तथा मिर्जापुर की सीमा पर गिरफ्तार करने के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि योगी और मोदी सरकार मिलकर इस तरीके का व्यवहार कर रही है। योगी और मोदी सरकार जब से आए हैं सिर्फ नाम बदलने का काम और लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम लोग दो बात के लिए बैठे हुए हैं। एक तो परसों 19 तारीख को प्रियंका गांधी हम लोगों की नेत्री, भारत की नेत्री, सोनभद्र जा रही थी आदिवासी की हत्या के परिवार, जिन लोगों का हत्या हो गया उन परिवार से मिलने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो निरंकुश योगी सरकार ने उन्हें मिर्जापुर में ही बॉर्डर लाइन पर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नहीं जाने दिया। 27 घंटे तक वहां रोक के रखा, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संदेश बात है। हम मुजफ्फरपुर के कांग्रेसी इस बात के लिए और पूरे देश के कांग्रेसी आहत हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया खुदीराम बोस स्मारक से आज के दिन में, आज के दिन की नहीं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, खास के मुजफ्फरपुर जिला में हर प्रखंड में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जरूरत होगी रेल और ट्रेन रोका जाएगा जब तक कि योगी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा पहलू है कि आज हम लोगों की एक नेता शीला दीक्षित जी नहीं रही, उनके बारे में कार्यक्रम के बाद शोक संदेश मना के हम लोग इस कार्यक्रम को। समरणालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। रविवार को समरणालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला इकाई कार्यकारिणी के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों ने ईपीओएस मशीन द्वारा खाद्यान्न वितरण में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की तथा प्रशासन द्वारा जाँच के नाम पर भयादोहन करने पर रोष व्यक्त किया। हम लोगों ने जो बैठक बुलाई है, आप लोग को भी जानकारी होगा कि सरकार ने ई पॉस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से आधार सेटिंग के आधार पर खाद्यान्न के वितरण करने का निर्णय लिया है और उसमें जो खामियां आने वाली है, चूंकि पॉस मशीन नया सिस्टम है और नया सिस्टम होने के कारण हमको भी नई व्यवस्था करना होगा जिसमें हम लोग को खर्च भी बढ़ेगा। वैसे परिस्थिति में सरकार के समक्ष हम अपनी कठिनाइयों को रखने के लिए
आज हम लोगों ने बैठक बुलाई है। हम सरकार से ये मांग करेंगे जिनका आधार सेटिंग नहीं होगा, क्या उसके लिए खाद्यान्न की सरकार ने क्या व्यवस्था रख कर रखा है। अगर बाय दी मान लिया जाए कि अगर किसी का औंठा नहीं मिलता है किन्हीं कारणों से, जैसे जैसे यूपी हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, इन तमाम कुछ स्टेटों में, झारखंड हो, वहाँ पर 20-25% व्यक्तियों का औंठा का मेल नहीं खाता है और इसके साथ साथ ही सर्वर की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार क्या मैनुअल सिस्टम पर बताने का भी व्यवस्था कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो सरकार लगाने के पहले, मशीन लगी, पॉस मशीन लगाने के पहले अगर हमारी सुरक्षा की दृष्टि से अगर काम नहीं करती है और कमीशन के रूप में 45,000 से 50,000 अगर हर विक्रेता के लिए अगर नहीं करती है, तो ऐसे परिस्थिति में हमको सरकार से कैसे जूझना चाहिए, उसी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक बुलाई। नव युवक समिति सभागार में पटेल हितकारी संघ के सदस्यों ने स्वर्गीय हरि नारायण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। नव युवक समिति सभागार में रविवार को पटेल हितकारिणी संघ के सदस्यों के द्वारा समाजवादी आंदोलन के नेता स्वर्गीय हरि नारायण सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संघ के सदस्यों ने स्वर्गीय सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया, साथ ही उनके तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुष्प भी चढ़ाए। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि आज के राजनीतिक क्षेत्र में चापलूसों एवं धन कुबेरों और अपराधियों ने कब्जा कर लिया है। हरि नारायण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा यहाँ के नगर के साथियों ने मिलकर मनाने का काम किया है। हरि नारायण बाबू इस मुजफ्फरपुर में आंदोलन के प्रतीक थे और इस मुजफ्फरपुर में गरीबों की बात को उठाने के लिए, जो फुटपाथ दुकानदार की बात उठाने के लिए, मीना बाजार के लोगों को बसाने के लिए उन्होंने अनवरत आंदोलन किया। आज उन्हीं के वजह से ये फुटपाथ के दुकानदार अभी तक उजाड़े नहीं गए हैं, जबकि स्मार्ट सिटी में उनको यहाँ से हटाना है, लेकिन उनके आंदोलन के वजह से ये हटाए नहीं गए। अब सरकार को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उस पर अभी सरकार विचार कर रही है कि इन लोगों के लिए कोई जगह पहले बनाए और वहाँ पे उनको बसाया जाए, ऐसे उसको नहीं हटाया जाएगा। आज मीना बाजार भी उनके वजह से बसा हुआ है, नहीं तो मीना बाजार को भी हटाने की बात चल रही थी। वो हरि नारायण सिंह जिन्होंने समता पार्टी के की स्थापना की और उस आतंक के राज में वो एक साधारण होटल में एक कमरा में रह के और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया इस मुजफ्फरपुर में। आज जनता दल यूनाइटेड, आज उनकी देन है इस मुजफ्फरपुर में, आज जो जनता दल यूनाइटेड का फेवर है, आज जो जनता दल यूनाइटेड का ताकत है, आज हरि नारायण बाबू से प्रेरित है और हम सब लोग उनसे प्रेरित हैं और आगे भी उनके प्रेरणा से हम लोग पार्टी को मजबूत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए श्रद्धांजलि सभा में हम सभी साथी आके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।